हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पेरोल को लेकर के बना रहा हूँ। बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो पेरोल पर काम करना आपके बाएं हाथ का नहीं बल्कि बाएं हाथ की उंगली का खेल हो जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट किया जाए इस वीडियो को, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले यहां पर स्टार्ट बटन पे क्लिक करके और टैली को ओपन कर लीजिएगा। मेरा डेस्कटॉप पे इंस्टॉल है तो मैं यहीं से ओपन कर लेता हूँ। ये टैली का एडिट लॉग वर्जन है, आप जो भी वर्जन इस्तेमाल करते हो टैली प्राइम का आप इसी तरीके से काम करेंगे, ठीक है। जैसे ये ओपन होगा तो हम एंटर होंगे एजुकेशनल मोड में, ठीक है। तो यहां से एजुकेशनल मोड में एंटर हो जाते हैं। अब यहां पर एक कंपनी हमें चूज करनी होती है, कोई भी एक कंपनी, लेकिन हम क्या करेंगे, नई कंपनी बनाएंगे। तो यहां से क्रिएट कंपनी पर चलते हैं, एंटर कर देते हैं जाकर के। जैसे ही एंटर करेंगे तो यहां पर ये कंपनी इस तरीके से ओपन हो जाएगी और यहां पर पेरोल एंड कंपनी के नाम से एक कंपनी बना लेता हूं मैं। चलिए इसी नाम से बना लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एंटर करिए, एंटर करिए। जबरदस्त वीडियो है, इसको ध्यान से देख लीजिए और पेरोल पूरा गारंटी है कि 100% क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू कॉलोनी देवरिया, आपका जो भी एड्रेस होता हो वो डाल दीजिएगा। यहाँ पर स्टेट आप डालिएगा तो उत्तर प्रदेश हमारा है, आपका जो भी बनता हो वो स्टेट डाल दीजिएगा। और यहाँ पर आएगा आपका पिन कोड, तो ये पिन कोड डाल दिया। बाकी टेलीफोन नंबर वगैरह डालते हुए यहां तक आइएगा। अब देखिएगा जरा, यहां पर बच्चे गलती करते हैं, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर जब भी शुरू होगा तो हमारे इंडिया में 1 अप्रैल से शुरू होगा। अब दुबई उबई की बात अलग है, दुबई में 1 जनवरी से शुरू होता है फाइनेंशियल ईयर, लेकिन हमारे यहां 1 अप्रैल से। और यहां पर बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, तो यहां पर बच्चे क्या करते हैं ना, वो डेट ही गलत डाल बैठते हैं। कैसे, क्या करते हैं, यहां पर डाल देते हैं वो डेट यानी कि खत्म, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाली डेट, तो खत्म होने वाली डेट नहीं डालनी है। काम शुरू 1 अप्रैल को ही हमारा हो रहा है तो ये 1 अप्रैल वाली डेट डाल करके एंटर करके इसे करा लीजिएगा एक्सेप्ट, ठीक है। और इसमें मैं चालू करूंगा पेरोल, तो पेरोल को चालू करने के लिए यहां पर आप देखेंगे तो ये सारे टैक्सेशन है और यहां पर पेरोल का एक अलग से सेक्शन दिया गया है। इस पे जाकर के डबल क्लिक करके इसको यस कर लीजिएगा, यहां से जाइएगा तो ये यस हो जाएगा और एंटर कर दीजिएगा। यहां पर यस कीजिए और ये इस तरीके से ओपन होगा। तो यहां पर कंपनी का कोड आपको डालना है, एंटर करना है। कंपनी का ग्रुप कोड एक अलग कोड होगा और कंपनी का सिक्योरिटी कोड एक अलग कोड होगा। फिर यहां पर इसी तरीके से सारी चीजें डालते हुए एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कराइएगा। यहां पे अदर्स डाल देता हूं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह नहीं है। बाकी यहां पर पैन नंबर चाहे तो डाल सकते हैं आप, ठीक है। जो भी डिडक्टी टाइप है उसका नेम वगैरह आ जाएगा, ब्रांच नेम, डिविजन नेम, यहाँ पे देख सकते हैं ना। तो यहाँ पे ब्रांच है तो यहाँ पे मैं देवरिया कर देता हूँ, DEORIA देवरिया कर दिया। एंटर करेंगे, रिस्पॉन्सिबल पर्सन मिस्टर आकाश हो जाएगा, ये हो गया AKASH, तो ये आकाश हो गया। और सन ऑफ डॉटर ऑफ डाल के यहाँ पे पैन कार्ड नंबर इनका जो है डाल दीजिएगा इस तरीके से और एंटर कर दीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा और एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। तो ये आपका पेरोल चालू हो जाएगा। अब आप क्रिएट पे जाएंगे ना तो ये पेरोल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, पहले हाईलाइट नहीं होता अगर आप इसे सीधा ओपन कर लेते तो, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस कंपनी में कुछ पैसा चाहिए तो फिलहाल चलिए हम सीधा चलेंगे कहाँ, पेरोल वाले वाउचर में चलेंगे, ठीक है। पैसा वैसा रिसीव कराएंगे, टाइम ज्यादा लगेगा, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो हम यहाँ सीधा क्या करेंगे, पेरोल वाउचर में चलेंगे। और गारंटी दे रहा हूं, 100% गारंटी दे रहा हूं कि आपको एकदम पेरोल समझ में आएगा। और समझ में आए तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। वी बटन प्रेस कीजिए, सीधा कहां आ जाना है, वाउचर में। तो ये अभी हम पेमेंट वाउचर में, लेकिन पेरोल की एंट्री किस वाउचर में होती है, तो दो वाउचर्स है, एक तो अटेंडेंस है अटेंडेंस रिकॉर्ड करने के लिए और दूसरा पेरोल वाउचर। दोनों में से कहीं पर भी हमको जाना है, मतलब दोनों ही वाउचर्स में हमें एंट्री पास करनी है, क्योंकि अटेंडेंस वाले वाउचर में अटेंडेंस रिकॉर्ड होगा और जो पेरोल वाला वाउचर है उसमें हमारी एंट्री होगी। लेकिन उससे भी पहले हमें कुछ पेहेड्स बनाने होते हैं, तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, वाउचर अदर वाउचर में चलते हैं। अदर वाउचर में आए, यहां पर आप देख सकते हैं ये अटेंडेंस यहां दिया गया है, ठीक है। तो आप चाहे तो यहां से, यहां गेटवे ऑफ टैली से आकर के पहले यहां पे क्रिएट कर लीजिए सारी डिटेल। जैसे क्रिएट पे जाएंगे, एम्प्लॉय का ग्रुप यहाँ पे दिया गया, देख सकते हैं ये एम्प्लॉय ग्रुप है, तो एम्प्लॉय ग्रुप बनाइए, एम्प्लॉय का नेम दीजिए, यूनिट दीजिए, अटेंडेंस दीजिए, पेहेड्स दीजिए, ये तमाम चीजें आप कर सकते हैं। पेरोल वाउचर में आ जाना है, यानी यहाँ पर देखिए ये पेरोल वाउचर्स जो दिया गया सेक्शन, यहाँ पर आ जाना है और अटेंडेंस रिकॉर्ड करनी है। लेकिन अटेंडेंस भी रिकॉर्ड करने के पहले हमें क्या बनाना है, पेहेड्स बनाना है। तो पेहेड्स कैसे बनेगा, तो फिर हमको वापिस आना पड़ेगा कहाँ पर, यहाँ पर, और क्रिएट पे आना पड़ेगा। और क्रिएट पे आकर के वापिस आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एम्प्लॉय का ग्रुप क्या है आपके, जैसे मैनेजमेंट, क्या दे देते हैं, मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये ग्रुप बना दिया हमने, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया। और यहां पर आकर के सैलरी की डिटेल को डिफाइन करना, तो यहां पेहेड्स बनेंगे, क्या बनेंगे, पेहेड्स। तो क्रिएट में जाएंगे और पहला पेहेड बनाएंगे बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी आपको पता होगा, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या प्राइवेट भी हैं
और आपका फर्म ठीक ठाक है तो आपको एक पे स्लिप दी जाएगी, यानी आपको एक सैलरी स्लिप मिलेगी और उस सैलरी स्लिप में ये लिखा होगा कि आपको कितना पेमेंट मिला है और क्या कितना, मतलब बेसिक सैलरी का डिटेल अलग होगा। और ये जो है अर्निंग फॉर इंप्लॉइज होता है, यहां पर आकर के इसे फिक्स्ड रखेंगे, आप चाहे तो वेरिएबल भी दे सकते हैं। और ये होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और एंटर करते हुए यहां पर हम क्या करेंगे, ऑन अटेंडेंस कर देंगे, यानी अगर अटेंडेंस नहीं रहेगी, अटेंडेंस अगर कम होगा 30 दिनों के हिसाब से या जो भी मंथ है 31 दिन का उसके हिसाब से अगर अटेंडेंस कम हो जाएगी तो उसके हिसाब से सैलरी भी डिडक्ट होगी, ठीक है। तो यहां नॉट एप्लीकेबल रख करके और यहां क्या करते हैं alt c करके एक बना लेते हैं, जैसे यहां पे leave लीव लिया तो लीव का ही हम बना लेते हैं और यहां पर एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराते हैं और सैलरी तो मंथली ही प्रोवाइड होगी, ठीक है। और यहां एज कैलेंडर पीरियड रखते हुए इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं नॉर्मल राउंडिंग करके। सैलरी कितनी मिली, तो अगर मान लीजिए किसी की सैलरी 20,000 है, ठीक है, यहां पे मैनेजमेंट हमने दिया था, याद है आपको, यहां पे आप देख सकते हैं ये मैनेजमेंट दिया था और यहां पे सैलरी की डिटेल को डिफाइन कर दिया था, लेकिन यहां पर आपको सैलरी की डिटेल को डिफाइन नहीं करना है, ठीक है। यहां पर एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा और कोई ग्रुप अगर आपको देना हो तो दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां पर एम्प्लॉय क्रिएशन करेंगे, तो एम्प्लॉय पर आएंगे तो अब यहां पर मान लीजिए एम्प्लॉय का नाम है अमित कुमार, तो ये एम्प्लॉय का नाम हो गया, एंटर किया। यहां पर प्राइमरी आ रहा है तो यहां पर एक बार स्पेस बटन प्रेस कीजिएगा, ये मैनेजमेंट आ जाएगा, ये मैनेजमेंट के हैं और यहां पर ज्वाइनिंग इनकी हुई है 1 अप्रैल 2024 को, यहां पर यस कर दीजिएगा और बस यहां से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर तीन ऑप्शन आपको दिखाई देंगे टैली प्राइम एडिट लॉग में, आपको तीन ऑप्शन यहां दिखाई पड़ेंगे, कौन कौन से ऑप्शन है, कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉई ग्रुप, दूसरा ऑप्शन है कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है स्टार्ट अफ्रेश। तो हम यहां पर स्टार्ट अफ्रेश कर देते हैं, तो यहां पे प्रेशर के तौर पर ये इन्होंने स्टार्ट किया है और यहां पे ये बेसिक सैलरी एक पे हेड तो हमने बनाया है, इनकी बेसिक सैलरी है 22,000, तो ये हमने डाल दिया 22,000। और यहां पर आएंगे तो यहां पर हम बनाएंगे क्या, यहां पर बनाएंगे टीए भी एक प्रकार का पे हेड है और ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज ही होगा, फिक्स्ड ही रहेगा और ये भी क्या होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होता है, ठीक है। एंटर करिए और एंटर करके और यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर कर देना है फ्लैट रेट, ठीक है। और ये जो है ये भी मंथली ही मिलेगा, ठीक है, डेली तो मिलेगा नहीं टीए, एक बार में ये डिसाइड हो जाएगा कि कितना आपको टीए मिलेगा, ठीक है। अब टीए मान लीजिए आपको मिला 2,000 रुपए, कितना मिला 2,000 रुपए टीए आपका डिसाइड हो गया, तो ये 2,000 हो गया। अब क्या करना है, एक और पे हेड अब बनाएंगे डीए, तो ये डीए हो गया डियरनेस अलाउंस और ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, आप चाहे तो वेरिएबल भी रख सकते हैं एज योर विश, ठीक है, या एज योर कन्वीनियंट, ठीक है। यहां पर इसे भी क्या करेंगे हम, यूजर डिफाइन कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। अब जो है यहां पर यूजर डिफाइन मैंने किया है तो यहां पर देख सकते हैं कोई वैल्यू यहां पर आई नहीं है, ये यूजर डिफाइन हो गया, यानी यूजर डिसाइड करेगा कि कितना डीए लगेगा, ठीक है, यानी कितना डीए दिया जाए इनको। लेकिन आप चाहे तो यहां पर बैक आकर के इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, कैसे चेंजेस करेंगे, जैसे आप सैलरी की डिटेल को यहां पर डिफाइन कर रहे हैं, बाहर आइए अमित कुमार का बना हुआ है, तो यहां से आप अल्टर कर सकते हैं इसको, यहां पर देखिए ये शो मोर पर आएंगे और यहां पर ये इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, बाहर आना है, अल्टर पे आ जाना है और अल्टर पर आकर के सीधा नीचे आना है और यहां पर आप देखेंगे एम्प्लॉइज बन रहा है यहां पे, तो यहां पे पेहेड भी बना होगा, तो यहां पे डीए जो पेहेड बना है, तो यहां पर आकर के एंटर करके इसको इस तरीके से, और यहां पर जब हम आते हैं तो ये यूजर डिफाइन आ रहा है, ठीक है। तो हम यहां फ्लैट रेट कर देंगे तो ये मंथली आएगा और फिर यहां पर ये इस तरीके से हो जाएगा, और जब हम एंट्री पास करेंगे यानी हम जाएंगे बी बटन प्रेस करके और कहां आएंगे, यहां पर आएंगे, ये देखिए आधार वाउचर में, और फिर यहां पर आप देख सकते हैं ये अटेंडेंस रिकॉर्ड करने के लिए आएंगे, तो उस समय इसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर एक एम्प्लॉई हम बनाएंगे, चलिए बनाते हैं यहां पे एम्प्लॉई अमित, ठीक है, अमित ही बना रहे थे हम, उसको हमने एक्सेप्ट नहीं कराया था, एंटर किया, यहां पे हमने मैनेजमेंट नाम से एक ग्रुप बना रखा है, तो ये मैनेजमेंट हो गया, 1 अप्रैल हो गया, यहां पे डिफाइन सैलरी डिटेल, तो यहां पे अफ्रेश हमने किया था, याद है आपको, बेसिक सैलरी हो गई, तो बेसिक सैलरी 22,000 ही थी, तो ये 22,000 डाल दिया हमने, और यहां पर आएगा डीए, तो देखिए डीए जैसे ही अब हमने किया तो यहां पर आने लगा, ये देख रहे हैं सीधा कर्सर रेट में आ गया, तो डीए मिलेगा 1,000 रुपए, ठीक है। और यहां पे टीए की बात आएगी तो यहां पर टीए भी मिलेगा, कितना, तो टीए मिलेगा 2,000 रुपए, ठीक है, तो ये हमने डाल दिया। अगर पीएफ कटता है तो पीएफ भी बनाएंगे, तो प्रोविडेंट फंड के लिए भी एक बना सकते हैं, तो यहां पर आएंगे तो ये डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉइज होगा, और ये किस प्रकार का डिडक्शन होगा, एम्प्लॉइज स्टेटरी डिडक्शन होगा, ठीक है।
और इसमें देखिए पीएफ अकाउंट आ रहा है, तो यहां से आप पीएफ अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिएगा और ये जाएगा करंट लाइबिलिटीज में। क्यों करंट लाइबिलिटीज में जाएगा? इसलिए जाएगा क्योंकि ये कटेगा तो फिर पीएफ बाद में मिलता भी है, रिटर्न होता है, इसीलिए करंट लाइबिलिटीज में जाएगा। एंटर करिएगा, एंटर करिएगा। और अब यहां पर आप डिसाइड कर सकते हैं ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला के तहत। तो यहां पे अगर बेसिक सैलरी की बात करें तो बेसिक सैलरी अगर 15,000 से 15,000 तक है, अमाउंट अप टू 15,000, तो यहां पर 10% पीएफ कटेगा। और अगर 15,000 से ज्यादा है और 22,000 तक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कितना, 22,000 तक, यहां पे 22,000 डाल दिया है, तो परसेंटेज कितना कटेगा, 15% कटेगा। और अगर 22,000 से ज्यादा है तो यहां कितना कटेगा, तो यहां पर 15% मान लीजिए कटेगा। तो एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लिया, तो ये पीएफ भी आ गया। अब देख सकते हैं ये अमित की सैलरी का पूरा डिटेल हो गया। अब इनका एम्प्लॉय नंबर ये है, ये हमने डाल दिया। डेजिग्नेशन ये है क्या, तो ये है मैनेजर, तो यहां पे मैनेजर हमने डाल दिया। एंटर किया, फंक्शन क्या है मैनेजमेंट का, तो यहां पे मैनेजमेंट कर दिया। पूरा डिटेल बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, एक भी स्टेप मिस्टेक मत कीजिएगा, नहीं तो जो भी स्टेप छोड़ देंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो ये देवरिया हो गया, आपका जो भी होता वो डाल दीजिएगा। और ये मेल ही है तो यहाँ मेल कर दिया। डेट ऑफ बर्थ इनका जो भी हो 1/5/1990 कर दिया हमने, एंटर किया। और यहां पर इनका ब्लड ग्रुप जो भी होता हो वो डाल दीजिएगा, फादर्स नेम मदर्स नेम ये डाल दीजिएगा, और एड्रेस डाल दीजिएगा। तो यहाँ न्यू कॉलोनी देवरिया कर देते हैं, DEORIA, ठीक है। और ये इस तरीके से हो जाएगा, एंटर किया, एंटर किया। और यहाँ पे इनकी बैंक डिटेल आएगी, तो अगर आप यस करेंगे तो यहाँ बैंक अकाउंट नंबर आपको डालना होगा, तो यहाँ पर ये डाल दीजिएगा बैंक अकाउंट नंबर। और यहाँ पर IFSC कोड वगैरह डालते हुए आगे बढ़िएगा, और यहाँ पे ब्रांच का नेम डाल दीजिएगा। तो ये देवरिया वाला ब्रांच है, यहाँ पे देवरिया ही हम कर देते हैं, तो ये देवरिया कर दिया, एंटर किया। और यहाँ पर ये पैसा किससे मिलेगा इनको, तो यहाँ पे चेक से मिलेगा, ई फंड ट्रांसफर मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो ई फंड ट्रांसफर ही कर देते हैं हम, एंटर कर देते हैं। और यहाँ पर टैक्स रेजिम के तहत ये आएगा कि नहीं आएगा ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो हम ये टैक्स रेजिम ऐसे ही कर देते हैं, और बाकी सारी डिटेल आप भर लीजिएगा, ठीक है। पीएफ अकाउंट नंबर क्या है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर क्या है, आधार नंबर क्या है, ये सब आपको भरना पड़ेगा। और ये लीव जो बनाया था वो आ गया, मान लीजिए इन्होंने एक महीने में 5 दिन की लीव ली, ठीक है, तो ये 5 दिन का लीव हमने बना दिया। और यहाँ नरेशन डाल देंगे, अटेंडेंस ATTENDANCE अटेंडेंस रिकॉर्डेड, ठीक है, ये हमने कर दिया, एंटर किया, एक्सेप्ट करा लिया। अब ये अटेंडेंस तो रिकॉर्ड हो गया, लेकिन अब यहां पर वाउचर में जाना है, और यहां से पेरोल वाउचर में जाना है, और पेरोल वाउचर में जाकर के यहां पे कैश कर देना। हालांकि हमारे पास फंड नहीं है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, यहां पे ऑटो फिल पे क्लिक कीजिएगा। ऑटो फिल पे क्लिक करते ही पेरोल ऑटो फिल आएगा, और यहां पर हम सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि एम्प्लॉई नेम के हिसाब से सैलरी प्रोवाइड होगी, यहां पर ध्यान दीजिएगा। जैसे ये अमित है तो हम सैलरी किनको प्रोवाइड कर रहे हैं, अमित को ही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहां पर अमित का नाम लगा करके तब यहां पे सैलरी कीजिएगा। और यहां पर ये 1 तारीख वाला डेट एक्सेप्ट करेगा, 30 वाला तो करेगा ही नहीं क्योंकि एजुकेशनल मोड है। तो यहां पे मैं 1/5/2024 कर देता हूं, बाकी आपके में अगर आप पेड वर्जन यूज कर रहे हैं तो वहां पर तो आपको जहां काम करते हैं वहां पर तो आपका पूरा आएगा ही आएगा। और ये कैश में सैलरी प्रोवाइड हो रही है, तो आप देखेंगे कि पूरा डिटेल आपको दिखाई पड़ेगा। ये पीएफ डिडक्शन 2750 रुपए हुआ है, 4,000 रुपए टीए मिला है, 2,000 रुपए डीए मिला है, 19,043 रुपए इनकी बेसिक सैलरी बनी है, जबकि आपने देखा था कि 22,000 थी, तो 5 दिन तो एब्सेंट भी हुए थे, ये भी तो देखना पड़ेगा। अब इसको एंटर करके एक्सेप्ट कराते हैं, तो जब एक्सेप्ट करा लेंगे तब यहां से बाहर आएंगे, और बाहर आने के बाद क्या करना है आपको, यहां पर आपको डी प्रेस करना है एक बार, और यहां से आना है पेरोल रिपोर्ट्स पर, और एंटर कर देना है, और पे स्लिप यहां पर ओपन कर लेनी है। तो ये आपका पे स्लिप है, अल्ट पी कीजिए, एंटर कीजिए, आई बटन प्रेस कर लीजिए। तो यहां पर देखिए ये अमित की पे स्लिप जनरेट होती हुई आपको नजर आएगी। ये पूरा प्रोसीजर है, आप देख सकते हैं कि सैलरी स्लिप कैसे जनरेट हो जाएगी, कैसे आपको पेरोल की एंट्री कर पाएंगे, ठीक है। तो जितने भी इंप्लॉइज हैं एक बार आपको बना लेना है, डिटेल फिल कर लेनी है, और ये काम बहुत ही आसानी के साथ होता चला जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये पूरी वीडियो आपको आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, और अगर आपका वीडियो से काम हो जाता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।